नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद में अदालत का 48 साल बाद फैसला आया। सिंदरी एफसीआई बनाम स्वर्गीय धर्मदेव सिंह और अन्य का मुकदमा संख्या 64 वटे 1980 सिविल जज 4 की अदालत में 48 साल बाद फैसला आया है, जिसमें एफसीआई को जीत हुई है। जिस विवादित जमीन का फैसला आया है, उसमें गौशाला में 4 पीढ़ी से लगभग 100 परिवार गुजर बसर करते आ रहे हैं। इतने वर्ष के बाद फैसला आने से झुग्गी झोपड़ी में गुजर बसर करने वाले के बीच हताशा का वातावरण है। लोग मांग कर रहे हैं वैकल्पिक व्यवस्था के बाद ही इस स्थान को खाली कराया जाए, अन्यथा हम लोग विवश होंगे। जिनके साथ एफसीआई का मुकदमा चला, उनकी मृत्यु हुए 10 वर्ष से ज्यादा हो गए। उनकी तीसरी पीढ़ी के साथ अन्य भूभाग में लगभग 100 परिवार रहते हैं। जनप्रतिनिधि चुनाव के समय कई आए और वादा करते रहे किसी को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। आज संकट के बीच अभी तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं आई है। धनबाद, जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। मेरे पिताजी का आज ही देहांत हो गया है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरी माँ एक बूढ़ी है। मेरा छोटा एक भाई है, वो भी बीमार रहता है। और ऊपर से मेरा कोई भी कमाने वाला सहारा नहीं है। डुल्लू महतो से यही निवेदन है कि मेरा कुछ सहायता करे, मेरे गांव का। मैं भी विकलांग हूँ, मेरे कमाने वाला भी कोई नहीं, मेरा भाई भी विकलांग है, समझ लीजिए। पिंकी कुमारी है, और ये जो घर टूटने का प्रोग्राम जो किए हैं, वो हम लोग को हटा दें या इसको हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग खाने कमाने वाले हैं। और ये कि एफसीआई से, प्रशासन से मेरा यदि है कि हमको कहीं उचित दिया जाए। यहाँ भीड़ लगाए हैं, क्या कारण है बताइए। सर, हम लोगों का जो है एक मतलब कि केस था, जो केस नंबर है 64/1980 का। और वो केस में हम लोगों को तो अभी फ़िलहाल जानकारी बहुत लेट से हुआ। पहले से बाप दादों के ज़माने से हम लोग रहते आए हैं। और अभी क्या है कि एफसीआई बोलती है कि हमारा है, जगह खाली कीजिए। तो हम लोग मानते हैं कि ठीक है, एफसीआई का है, जगह खाली करेंगे, लेकिन हम लोग जाएँगे कहाँ? इतने गरीब परिवार लोग यहाँ पर ही हैं, 34-35 आदमी का नाम है, और सारे के सारे झुग्गी झोंपड़ी बना करके अपना जीवन अपना कर रहे हैं। और रोज़ कमाने खाने वाले व्यक्ति यहाँ पर हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरा जगह अपना वकील मतलब व्यवस्था कर सके। जो है यहाँ से टूटने के बाद मतलब कि बहुत उसके साथ में दिक्कत प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग आग्रह करते हैं एफसीआई से या प्रशासन से, जो भी सामने आए, कि हम लोग का कुछ व्यवस्था किया जाए ताकि हम लोग यहाँ रह सकें या कहीं और जा कर के रह सकें, रोजी रोटी चल सके। क्या नाम आपका? नाम है मेरा रामनाथ शर्मा। दिक्कत है कि एफसीआई एक बैग हम लोग को नोटिस दे रहा है। केस तो पहले से चल रहा था, ये जानकारी हम लोग को नहीं है, ठीक है। और केस किसी और पार्टी ने किया था, लेकिन हम लोग नहीं किए हैं। ये चल रहा है केस, और एक बैग आके बोला जा रहा है कि खाली केस चल रहा था, खारिज हो गया है, आप लोग को खाली करना होगा। तो हम लोग के पास कोई आगे का व्यवस्था है नहीं, इसके चलते इस पर नर्म निवेदन है कोर्ट से या प्रशासन से या एफसीआई से कि हम लोग का व्यवस्था किया जाए, है ना, और आगे की व्यवस्था किया जाए ताकि हम लोग का बाल बच्चा परिवार यहाँ रह रहा है झुग्गी झोपड़ी बना के। और हम लोग कोई बड़ा आदमी नहीं है, पूंजीपति व्यक्ति नहीं है कि कहीं ज़मीन है और कहीं चले जाएँ, विस्थापित हो जाए। इसलिए इससे नर्म निवेदन है कि इसका उपाय किया जाए। धन्यवाद। सिंदरी के गौशाला बाजार में एफसीआई बनाम स्वर्गीय धर्मदेव सिंह का मुकदमा 1980 से लगातार चल रहा है। कल ही कोर्ट के द्वारा इसका ऐतिहासिक फैसला आया है। 48 साल के बाद में इस ज़मीन को खाली करने का आदेश मिला है। हम सभी जानते हैं कि इस ज़मीन पर 48 साल ही नहीं, इससे पहले से भी चौथा पीढ़ी के लगभग 100 परिवार इस स्थान पर रहते आए हैं। और आज जब कोर्ट का यह आदेश आया है कि तत्काल इसको खाली कराया जाए, तो 100 परिवार के समक्ष में आज बहुत विकट समस्या वहाँ के लोगों को आ गया है। ज़्यादातर उसमें झुग्गी झोपड़ी है, जिसका कोई भी जगह में ज़मीन नहीं है। इसलिए मैं विकास कुमार ठाकुर, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सिंदरी बलियापुर लोकल कमेटी की ओर से यह मांग करता हूँ कि जब तक
वैकल्पिक व्यवस्था कोई ना हो, उनको इस स्थान से नहीं हटाया जाए जब तक लोगों का विस्थापन दूसरे स्थान पर जमीन के साथ घर बनाकर नहीं दिया जाता, तब तक उस स्थान को खाली नहीं कराया जाए। इस स्थान पर पूंजीपतियों का यहाँ पे नज़र गड़ा हुआ है, FCI के माध्यम से पूंजीपतियों को जमीन यानी इंडस्ट्रियल इलाका का डेवलप करने के लिए दिया जा रहा है, और हम CPIM की ओर से हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जब तक कि इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाता, इस स्थान को खाली नहीं कराया जा सकता है। ये क्या बोलना चाहते हैं? बोलना ये चाहते हैं, ये केस चल रहा था 64/1980, ये केस चल रहा था FCI बनाम बंसीधर तिवारी, और हम लोग इसमें पार्टी नहीं थे हैं। और ये केस को पिछले साल अप्रैल में हम लोग को नोटिस आया कि ये जगह खाली करना है। हम लोग कोर्ट भी गए, 37 परिवार कोर्ट गए। कोर्ट जाने के बाद हम लोगों ने CMP फाइल किया, जो कि कल हम लोग का CMP रिजेक्ट हो गया और FCI के फेवर में ये आया वर्डिक्ट। हम FCI से और यहाँ के प्रशासन से अपील करते हैं, हम लोग बेघर आदमी हैं, हम लोग 75 साल से यहाँ बाप दादा यहीं नौकरी किए, यहीं FCI में हमारे दादाजी काम करते थे, और यहाँ पे सब लोग मतलब कि 99% लोगों के पास कोई दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। अतः यहाँ के प्रशासन से और FCI प्रबंधन से हम आग्रह करते हैं, हम लोग का उचित मुआवजा दिया जाए और उचित व्यवस्था किया जाए, हाँ, ताकि हम लोग का जीवन व्यापन हो सके, नहीं तो हम लोग के पास खाने और मरने की स्थिति पैदा हो जाएगी। देखा गया है कि FCI के तरफ से जो झुग्गी झोपड़ी के लोग गौशाला में रह रहे थे, उन लोग को हटाने की प्रतिक्रिया चालू हो गई है, जो कि सिविल कोर्ट के अनुसार ये आपका ये केस हार जीत गया है। और अब आम जनता को क्या परेशानी को झेलना पड़ रहा है, ये आप बताएं। देखिए, वहाँ पे बहुत दिनों से लोग रह रहा है, जैसा हमें जानकारी है कि शायद खजानती सिंह केस किए थे वो अपने घर के ऊपर जहाँ उनका था, ठीक है ना, तो उस पर डिसीजन आया है, आम पब्लिक पर तो डिसीजन नहीं आया है कोर्ट से। दूसरी बात है कि अब ये सब संवेदनशील मुद्दा है, इस पर जनप्रतिनिधि जो हमारे जीते हुए हैं लोग, जैसे ढुल्लू महतो जी हैं, उनको इसको संज्ञान में लेना चाहिए। अनूप सिंह से भी हम लोग कहेंगे इस विषय में कि भाई देखिए, गरीबों का बात है और गरीब लोग रह रहे हैं, अगर इन गरीबों पर FIR हुआ होता जो ये 50 साल 100 साल से रह रहे हैं और उस पर कोई डिसीजन आया होता तो एक ठोस मुद्दे की बात है। यहाँ तो सारे FCI के ज़मीन पे तो 27 गांव रह रहा है, तो 27 गांव रह रहा है तो सब पे तो केस नहीं है, जिस पर केस किया गया है उसको आप हटाने का बात कीजिए तो ये सार्थक बात होता है। इसके लिए जनप्रतिनिधि तो हम लोग भी इसके विषय में आवाज़ उठाएंगे, और अपने जो भी हमारे यहाँ पर, हम लोग तो चूंकि सामाजिक लोग हैं, झारखंड बचाओ संग्राम समिति गैर राजनीतिक संगठन है, सामाजिक लोग हैं, हम लोग भी जनप्रतिनिधियों के दिमाग में इस बात को देंगे कि भाई जिनके ऊपर में केस किया गया है, जिनके ऊपर में रिजल्ट आया है कोर्ट के तरफ से, उनसे आप बात करें। लेकिन और लोग जो रह रहे हैं, 100, 150, 200, 400 आदमी जो लोग रह रहा है, ये तो ठीक बात नहीं है कि उनको हटाने का बात कीजिए। अच्छा, उन लोग का कहना था कि आप मतलब हटाने के बाद उन लोग कहाँ जाएंगे, तो वो लोग वो तो बात, लेकिन उनको हटाया क्यों जाएगा, कोर्ट उनको हटाने के लिए तो कोई डिसीजन नहीं दिया है। खजानती सिंह के घर को हटाने के लिए, खजानती सिंह के परिवार को हटाने के लिए वहाँ से किया गया, जो पहले से अब नहीं है दुनिया में, तो उनके ऊपर में केस हुआ है, उनका वहाँ पर अगर कोई घर है तो उनको हटाया जाए। कोर्ट जैसे आपको आपके नाम से डिसीजन दे दिया कि भाई इनको यहाँ से हटाया जाए, तो बाकी लोग जो है उसको भी हटाया जाए, जिनके नाम से कोर्ट ने ऑर्डर पारित किया है उसको, उसके भी समय बात करना होगा कि 400 घर रहा था, 400 घर को हटा दीजिएगा। ऐसा नहीं है, जनप्रतिनिधियों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ये बहुत बड़ा बात नहीं है। अब ढुल्लू महतो जी भी आज यहाँ का जनता ने उनको मत दिया और जिताया, उनको भी चाहिए कि इसको संज्ञान में लेकर के और गरीबों का रक्षा करें, और हम लोग भी आवाज़ उठाएंगे, जनप्रतिनिधियों तक हम लोग अपना बात को पहुँचाएंगे और इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। सार्थक बात ये है कि अगर
उन लोग के ऊपर में केस है, उनके ऊपर तो कोई नोटिस नहीं है। वो तो खजांती सिंह के ऊपर में आप बात कर रहे हैं, धर्मदेव सिंह के ऊपर में बात कर रहे हैं, तो ये सब बात है और क्या। यही कहना है कि भाई जिनके ऊपर में केस है उस पर उसको संज्ञान में लीजिए। 400 साल 150 साल 200 साल से लोग रह रहा है, तो दूसरे लोगों पर आप तो ऑर्डर आया नहीं है, बस यही कहना है।